श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शिव तांडव स्तोत्र कैसे बना। इसकी रचना रावण ने की थी और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, पर वो क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से शिव तांडव का रचना हुआ। देखिए, यद्यपि रावण एक राक्षस कुल में जन्म लिया था, परंतु एक ऋषि पुत्र होने के कारण वो अत्यंत विद्वान था। वो रावण संहिता और शिव तांडव स्तोत्र सहित अनेक ग्रंथों की रचना की थी। आज हमको रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताएंगे, जिसकी रचना उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए की थी। एक बार रावण ने अपने शक्ति के मध में शिव जी के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उस समय भोलेनाथ ने मात्र अपने अंगूठे के बल पे, सिर्फ अपने अंगूठे से उसने कैलाश पर्वत को उन्होंने दबा दिया, अपना भार बढ़ा दिया और रावण उसे अधिक समय तक नहीं उठा सका। इस दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल पाया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव सूत्र रच दिया और शिव जी इस सोच से बहुत प्रसन्न हो गए। उसने कहा, सघन जटामंडल रूप वन से प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिव जी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रच्छालित करती है, मतलब धोती है, और जिनके गले में लंबे लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, और जो शिव जी डमरू को डमडम बजाकर प्रचंड तांडव कृत्य नृत्य करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। फिर उसने आगे कहा, संस्कृत में जो श्लोक में था, अति गंभीर कटाहरूप जटाओं में अतिवेग से विलासपूर्ण भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिव जी के शीश पर लहरा रही है तथा जिनके मस्तिष्क में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधककर प्रज्वलित हो रही है, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिव जी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। फिर आगे वो कहता है, पर्वत राज सुता के विलास में रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित वाले माहेश्वर तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती है, ऐसे दिगंबर शिव जी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। फिर आगे एक श्लोक में कहता है और शिव जी की तारीफ करता है कि जटाओं में लिपटे सर्प के फन के मनियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसर कांति से दिशा बंधु के मुखमंडल को चमकाने वाले मत वाले गजासुर के चर्म रूप उभरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिव जी से मेरा विनोद को प्राप्त हो। शिव जी को खुश करता चला जाता है और आगे कहता है, इंद्र आदि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूलि राशि से घुसित पाद पृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चीरकाल के लिए संपदा दें। इंद्रादि देवताओं का गर्व नाश करते हुए जिन शिव जी ने अपने विशाल मस्तिष्क की अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूपी नर मुंडेधारी शिव जी हमको अक्षय संपत्ति दें। देखिए, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ, इस शिव तांडव सूत्र का मतलब है, आप भी संस्कृत के जो शब्द हैं वो बड़े प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत वाली होती है, तो आप ये सब लाइन बोल सकते हैं। जब आप शिव जी की प्रार्थना करें ना, वो शिव तांडव सूत्र के बराबर ही है। जलती हुई अपने मस्तिष्क की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले तथा पूर्वज राजसुता के स्तन के अग्रभाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रति अटल हो, नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्याओं की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गुणकंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले जब चर्म से सुशोभित बालचंद्र की कलाओं के बोझ से विनत जगत के बोझ को धारण करने वाले शिव जी सबको सब प्रकार की संपत्ति दे। फूले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों को काटने वाले
दक्ष यज विध्वंस, गजासुर हंता, अंधकार सुरनाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले शिवजी का मैं भजन करता हूं। कल्याण में नाश न होने वाले समस्त कलाओं के कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में ब्रह्म रूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर विनाशक संसार दुखहारी दक्ष यज्ञ विध्वंस गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिव जी का मैं भजन करता हूं। अत्यंत शीघ्र वेग पूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुफकार छोड़ने से क्रमशः ललाट में बड़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंग के धिमधिम मंगलकारी उधा ध्वनि के क्रमारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले शिव जी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। कड़े पत्थर और कोमल विचित्र सया में सर्प और मोतियों की मालाओं में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और मित्र में तिनके और कमल लोचनियों में प्रजा और महाराजाधिराजाओं के समान दृष्टि रखते हुए कब मैं शिव जी का भजन करूंगा, कब मैं श्री गंगा जी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र के उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूंगा। देवंगनाओं के सिर में गुथे हुए पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के दाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अनिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंतर नेत्र वाली देव कन्याओं में शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को कष्ट कर विजय पाए। इस परम उत्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंड से पढ़ने से या श्रवण करने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है। जिसकी दूसरी गति नहीं होती शिव के ही शरण में रहता है। शिव पूजा के अंत में इस रावण कृत शिव तांडव सूत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है, रथ गज घोड़े से सर्वदा युक्त रहता है। इति शिव पांडम सोतम संपूर्णम। ये मैंने आपको हिंदी में पूरा बोला है क्योंकि संस्कृत का जो शब्द है उसे प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर मैं आपको प्रोनाउंस करके यहां बता भी दूं तो फिर वो सुन के प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पूरा हिंदी में आपको शिव तांडव स्रोत बता दिया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।